एक समय की बात है, एक जंगल में सेब का एक बड़ा पेड़ था। एक बच्चा रोज उस पेड़ पर खेलने आया करता था। वह कभी पेड़ के डाली से लटकता, कभी फल तोड़ता, कभी उछल कूद करता था। सेब का पेड़ भी उस बच्चे से काफी खुश रहता था। कई साल इस तरह बीत गए। अचानक एक दिन बच्चा कहीं चला गया और फिर लौट के नहीं आया। पेड़ ने उसका काफ़ी इंतज़ार किया पर वह नहीं आया। अब तो पेड़ उदास हो गया था। काफ़ी साल बाद वह बच्चा फिर से पेड़ के पास आया पर वह अब कुछ बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर काफ़ी खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर बच्चा उदास होते हुए बोला कि अब वह बड़ा हो गया है, अब वह उसके साथ नहीं खेल सकता। बच्चा बोला कि अब मुझे खिलौने से खेलना अच्छा लगता है पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। पेड़ बोला, उदास ना हो तुम, मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लो। बच्चा खुशी खुशी फल तोड़ के ले गया लेकिन वह फिर बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। पेड़ फिर दुखी हो गया। अचानक बहुत दिनों बाद बच्चा जो अब जवान हो गया था वापस आया। पेड़ बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा पर लड़के ने कहा कि वह पेड़ के साथ नहीं खेल सकता, अब मुझे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। पेड़ बोला, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, तुम इन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। अब लड़के ने खुशी खुशी सारी शाखाएं काट डाली और लेकर चला गया। उस समय पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ लेकिन वह फिर कभी वापस नहीं आया और फिर से वह पेड़ अकेला और उदास हो गया था। अंत में वह काफी दिनों बाद थका हुआ आया। तभी पेड़ उदास होते हुए बोला कि अब मेरे पास ना फल है और ना ही लकड़ियाँ, अब मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। बूढ़ा बोला कि अब उसे कोई सहायता नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहाँ वह बाकी जिंदगी आराम से गुजार सके। पेड़ ने उसे अपनी जड़ों में पना दी और बूढ़ा हमेशा वही रहने लगा। यही कहानी आज हम सबकी भी है। मित्रों, इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई ज़रूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी न कि सिर्फ उनकी फायदा के लिए। इस कहानी में हमें दिखाई देता है कि उस पेड़ के लिए वह बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था और वह बच्चा बार बार जरूरत के अनुसार उस सेब के पेड़ के उपयोग करता था। यह सब जानते हुए भी कि वह उसका केवल उपयोग ही कर रहा है। इसी तरह आजकल हम भी हमारे माता पिता की जरूरत के अनुसार उपयोग करते हैं और बड़े होने पर उन्हें भूल जाते हैं। हमें हमेशा हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और हमेशा भले ही हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, उनके लिए थोड़ा समय तो भी निकाल लेना ही चाहिए। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप लोग को कैसी लगी हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इसी तरह का हम शिक्षाप्रद कहानी हमेशा इस चैनल पर डालते रहते हैं और अगर आप लोग को यह कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। इससे हम मोटिवेट होते हैं दोस्तों और वीडियो बनाने में हमारा मन लगता है और कुछ नहीं दोस्तों। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए आप लोग, मस्त रहिए।